क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे और समझेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन एब्सिसिक एसिड को। इससे पहले हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन के रूप में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स को पढ़ा था और उसकी भांति इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की, इसकी केमिकल नेचर कैसी होती है, इसका बायोसिंथेसिस प्लांट में किस प्रकार से होता है और इसके मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं इत्यादि के बारे में। प्लांट ग्रोथ हार्मोन को पढ़ने के लिए इससे पूर्व अपलोड किए गए वीडियो को आप जरूर ऑब्जर्व करें। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड को ए बी ए हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका शॉर्टकट हुआ ए बी ए हार्मोन। ये हार्मोन पादपों में विपरीत परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से मुकाबला करने के लिए प्लांट में डेवलप होता है, प्लांट को तैयार करता है। तो विपरीत परिस्थितियों में प्लांट को तैयार करने में इस हार्मोन की मुख्य रूप से भूमिका होती है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जैसा विपरीत परिस्थिति क्या हुई कि अचानक वातावरण के अंदर टेम्परेचर और लाइट हाई होने के कारण या फिर हवा का वेग तेज होने के कारण वेपोराइजेशन या ट्रांसपीरेशन बहुत अत्यधिक मात्रा में होना प्रारंभ हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाने के कारण जल की हानि होगी, फलस्वरूप जल में स्फीति अवस्था समाप्त हो जाएगी, सल्ट अवस्था आ जाएगी और ये एक प्रकार की मुरझाना की अवस्था हो जाती है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, इसकी मलानिता कहेंगे। तो क्या आना प्रारंभ हो जाएगी, मलानिता आ जाएगी। मलानिता या विल्टिंग स्टेज आने के कारण पादप की उपापचयी क्रिया कमजोर हो जाती है और ये परमानेंट रूप से यदि बदल जाती है तो पादप की डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या करेगा, इस स्थिति में ईबीए तुरंत प्रभाव से सक्रिय होकर के स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है, फलस्वरूप ट्रांसपीरेशन होना था वो नहीं हो पाएगा। जल की हानि नहीं होने के कारण पादप जल के अभाव में भी, जल की कमी में भी अपने आप को जीवित रख सकता है। इसलिए इस हार्मोन को मुख्य रूप से स्ट्रेस हार्मोन के रूप में माना जाता है और ये हार्मोन पादपों में 1 ppm से भी कम मात्रा में प्रयुक्त होकर के ग्रोथ को प्रभावित करता है या इसके लिए इफेक्ट डालता है। तो मात्रा बहुत कम है, बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर प्रयुक्त होता है लेकिन रोल बहुत अधिक होता है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की तरह ये वृद्धि को प्रेरित नहीं करता, ग्रोथ को बढ़ाता नहीं बल्कि ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा प्रकाश पान के अंदर प्रवेशित नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, बाधित हो जाएगी, तो ग्रोथ नहीं हो रही है। इसीलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के रूप में पढ़ा जाता है। है क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब इसकी खोज कैसे हुई, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी एबीए हार्मोन की कैसे हुई। तो सबसे पहले हैम्बर्ग ने 1949 के अंतर्गत आलू जैसे कंद के अंतर्गत अध्ययन करते हुए पाया गया था कि इनमें कुछ ऐसे निरोधक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण इसकी प्रसुप्त अवस्था बढ़ती है, इसके अंदर जर्मिनेशन की प्रक्रिया कम होती है, भंग हो जाती है। इसके बाद में तो ये हैम्बर्ग के द्वारा सबसे पहले ये सिद्ध किया गया था कि पादपों के अंतर्गत कुछ ऐसे निरोधक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो अभी तक क्या क्या पाया गया था कि केवल प्रेरक वर्धि प्रेरक पदार्थ ही पाया जाता था। इसके बाद में फिर आए ऑस्बोर्न ने 1959 के अंतर्गत अपने 59 में प्रयोग करते हुए ये पाया गया कि ये जो निरोधक पदार्थ पाए जाते हैं वो मूल रूप से प्रसुप्त अवस्था को प्रेरित करते हैं, इसलिए उन्होंने निरोधक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया था। इसके बाद पीएफ वेरिंग ने 1963 के अंतर्गत अपने साथियों के साथ में प्रयोग करते हुए पाया था कि काष्ठीय पौधों में
जो पदार्थ निरोधक या इनहिबिटर के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं वो मूल रूप से वृद्धि को रोकते हैं, और इनको डॉर्मिन शब्द से संबोधित किया था। क्या नाम दिया गया? पी एफ पेरियन के द्वारा सबसे पहले इन निरोधक पदार्थों के लिए डॉर्मिन शब्द प्रयुक्त किया था। उसके बाद में एडिकट और उसके साथियों के द्वारा इसी प्रकार के डॉर्मिन जैसे निरोधक पदार्थों के लिए डॉर्मिन प्रयुक्त नहीं करके दो अलग अलग प्रकार के डॉर्मिन पृथक किए थे, जैसे एप्सिसिन फर्स्ट और एप्सिसिन सेकेंड के नाम से जाना गया। तो एप्सिसिन शब्द जो दिया था वो एडिकट और उसके साथियों के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद में ओकुमा और उसके साथी 1965 में और वॉन स्टीवेनिक ने 1966 के अंदर प्रयोग करके बताया था कि ये जो डॉर्मिन और एप्सिसिन फर्स्ट और एप्सिसिन सेकेंड जैसे इनहिबिटर मटेरियल है, इनहिबिटर हार्मोन है, वो मूल रूप से एक ही प्रकार का एक ही है, और उसके लिए एक नया शब्द प्रयुक्त किया गया, उसको क्या कहा गया? एब्सिसिक एसिड, और उसी को ही हम वर्तमान में उसको पढ़ रहे हैं। अब ये एब्सिसिन जो पृथक किए गए थे वो मूल रूप से कपास के कच्चे फलों से इसको प्राप्त किया गया था, नाम दिया गया एब्सिसिक। तो यहाँ तक एब्सिसिक हम लोग की खोज कैसे हुई, एक सामान्य सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब कि ये एब्सिसिक एसिड होते कैसे, रासायनिक दृष्टि से किस प्रकार से होते हैं, तो मूल रूप से तीन आइसोप्रीन इकाइयों से निर्मित एक कार्बनिक यौगिक है। कितने आइसोप्रीन है? तीन आइसोप्रीन से, और ये आइसोप्रीन होती है वो कितने कार्बन युक्त होती है? पांच कार्बन युक्त होती है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक को सिस EBA के नाम से जाना जाता है और दूसरे को ट्रांस EBA के नाम से जाना जाता है। ये जो फॉर्मूला जो है वो पहला है 2-cis-EBA और दूसरा है ट्रांस EBA। अब ट्रांस और सिस की जो स्थिति जो बन रही है वो क्यों बनेगी? क्योंकि इस कार्बन पर यदि कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक समूह एक ही दिशा में पाया जाता है तो उसको सिस दिया जाता है, और यदि वो विपरीत दिशा में है, हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बोक्सिल समूह विपरीत दिशा में, तो उसको नाम देते हैं 2-trans-EBA। तो कितने प्रकार के पाएंगे? दो प्रकार के, 2-cis-EBA और 2-trans-EBA। मूल रूप से नेचुरल कंडीशन के अंदर जो पाया जाने वाला एबी है वो 2-cis-EBA कहलाता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में सक्रिय होता है, जबकि 2-trans-EBA होता है वो निष्क्रिय रूप से पाया जाता है, लेकिन पराबैंगनी किरण जैसे यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है सिस में, अर्थात इनएक्टिव फॉर्म से हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। तो जो एक्टिव फॉर्म्स मिलती है प्लांट के अंदर वो कौन सी मिलेगी? 2-cis-EBA। अब इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम होता है 3-methyl-1-hydroxyl-furoxo-2-6-6-tri-methyl-2-cyclohexane-1-ill-cis-ya-trans-2-4-penta-dionic acid। तो ये तो है इसका नाम, आईपीसी नाम। ये दो प्रकार के हैं, ये एबीए के सूत्र और नियमित किससे होता है? आइसोप्रीन यौगिक से होता है। पादपों में निर्मित होने वाले इस प्रकार के प्लांट ग्रोथ हार्मोन का संश्लेषण कौन से भाग में होता है और कहाँ से स्थानांतरित होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एबीए हार्मोन का जैव संश्लेषण पढ़ते हैं। इस हार्मोन का संश्लेषण मुख्य रूप से लीफ में होता है, यंग लीफ होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसका निर्माण होता है, फिर इस लीफ से पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित होता है। अब इस हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित या सिंथेसिस संबंधित दो पथ हैं, एक को वाइलोजेंथिन से उसको उत्पत्ति मानते हैं, तो वाइलोजेंथिन के फलस्वरूप जेंथिन का निर्माण होता है जो लगभग 15 कार्बन का बना होता है, और उस जेंथिन से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा एबीए हार्मोन का निर्माण होता है।
तो पहली कंडीशन क्या है, वाइलोजेंथिन से। वाइलोजेंथिन से निर्मित होने के कारण इस वाइलोजेंथिन को एबीए का प्रीकर्सर माना जाता है, पूर्ववर्ती हम उसको मानेंगे। तो पहले पथ में वाइलोजेंथिन से, और दूसरा पथ मानते हैं कि इस एबीए का संश्लेषण मेवलोनेट से होता है। मेवलोनेट एक बाई प्रोडक्ट है जो कि जिब्रेलिन के संश्लेषण के अंतर्गत डेवलप होता है। तो जब जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है उस समय निर्मित होने वाला मेवलोनेट जिब्रेलिन का भी निर्माण कर सकता है, उसके साथ साथ में एबीए का भी निर्माण कर सकता है। इसके अनुसार इस मेवलोनेट एसिड से सबसे पहले फॉस्फोमेवलोनेट का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पे फॉस्फोरिलीकरण की प्रोसेस हो रही है। उसके बाद में फिर फॉस्फोरिलीकरण का अभिक्रिया होने के कारण डाईफॉस्फोमेवलोनेट बनेगा। फॉस्फोरिलीकरण एक फॉस्फेट समूह इस जगह जुड़ा, दूसरा इस जगह जुड़ा। उसके बाद में इसमें परिवर्तन होने के फलस्वरूप आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट का निर्माण होता है, आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट। और उसके बाद में एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है, उस यौगिक को क्या नाम देंगे, फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट। और उसी फर्नेसाइल के द्वारा फिर सबसे अंतिम उत्पाद के रूप में एबीए का निर्माण होता है। तो इस पद के अनुसार कि प्रीकर्सर के रूप में मेवलोनेट प्रयुक्त होता है, और उस पथ के द्वारा एक फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनता है जो कि एबी हार्मोन को निर्मित करता है। तो इस प्रकार से बायोसिंथेसिस के दो पथ पड़ते हैं, एक तो वाइलोजेंथिन से और दूसरा है मेवलोनेट से। संश्लेषण होता है मुख्य रूप से लीफ में, फिर पादप के विभिन्न भागों तक ये पहुँचता है, अर्थात इसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो लीफ तक पहुंचेगा, लीफ से दूसरी लीफ तक पहुंचेगा, तो स्टेम तक पहुंचेगा, रूट तक पहुंचेगा। तो इस ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, तो ट्रांसलोकेशन के लिए माना जाता है कि फ्लोएम और जाइलम मुख्य रूप से उत्तरदायी है। किसके द्वारा होगा, या तो फ्लोएम के द्वारा होगा या फिर जाइलम के द्वारा, अथवा दोनों के द्वारा होता है। और इसके साथ में इन ऊतकों के मध्य पाई जाने वाली सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स भी इस एबीए की ट्रांसलोकेशन में अपनी भूमिका निभाती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, अथवा पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हैं, वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज और उस टिश्यूज के पास पाई जाने वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलकर के एबीए का ट्रांसलोकेशन करता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, राइजोम में, जितनी प्रकार के भूमिगत भाग है राइजोम, जिसको परकंद कहते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्यूब, ट्यूबर, बर्ड, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में। परकंद, कंद, कलिकाएं, भ्रूणपोष और भ्रूण के अंतर्गत एबीए की सांद्रता सामान्य से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार की शैवालों के अंतर्गत भी पाया जाता है, लेकिन एबीए कभी भी किसी भी बैक्टीरिया में अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो हम मान सकते हैं कि बैक्टीरिया में एबीए हार्मोन नहीं पाया जाता है, इसके अलावा लगभग सभी पादपों के अंदर पाया जाता है। एबीए उस क्षेत्र में या उस पादपीय भाग में सर्वाधिक पाया जाता है जहाँ पे प्रसुप्ति की अवस्था होती है, डोर्मिनेंस डेवलप करने की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से आज के इस छोटे से टॉपिक हमने डिस्कस किया एबीए हार्मोन की खोज कैसे हुई, एबीए का केमिकल नेचर क्या है, एबीए कैसे संश्लेषित होता है और किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एबीए हार्मोन के मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किस प्रकार के होते हैं और क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। थैंक यू, नमस्कार।